वेलकम एवरीबॉडी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं इस एक हफ्ते में आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में क्या क्या हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक के बारे में। फेयर स्ट्रैप और ट्रेडिशनल स्ट्रैप क्या होता है? This is called the fairer strap when you run through the middle now. Okay, now this makes it completely symmetrical except for the buckle. Okay, it's completely the same for you as it is for me. Or you can do what I call the hustle wrap. This is what we used to do for years. Okay, go underneath, and now the bottom strap goes from your arm, okay, to my hand. Do you see that? So it's super advanced, probably like 15% better for you. So this is a तो पहली न्यूज़ WL यानी कि वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग से है। इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक कैंसिल हो गया था, सभी जानते हैं हम। तो इसमें स्टीव कैपलिन जो कि WL के ओनर हैं, उन्होंने रिस्पांस दिया है कि वो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को अपनाएंगे और इस साल के WL को कैंसिल नहीं होने देंगे। WAL and COVID-19 coronavirus, also following City Department of Health guidelines for Chicago and LA and all the cities that we're going to be in, as well as the cities that our athletes are flying from. So know that all is in hand. Look for more. Right now we are taking a wait and see attitude. We're not canceling. We're trying. और नील पिकअप ने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था संडे को, जिसमें जेमी शेल्डन, एडम विलमॉट, BLM और रायन बोवन है। ये चारों WL के एथलीट्स हैं और 21 अप्रैल को WL 601 में जेमी शेल्डन और एडम विलमॉट का मैच होना है और रायन बोवन वर्सेस BLM का मैच होना है मिडिल वेट कैटेगरी में। तो अच्छा पॉडकास्ट था, इसमें एडम विलमॉट काफ़ी नाराज़ थे, सभी से बोल रहे थे कि मैं WL हैमर जीत जाऊंगा और उसके बाद सभी जो मुझे कमज़ोर मानते थे कि कॉल आउट करके सभी को हराऊंगा मैं। तो इस पे नील पिकअप ने कहा कि वर्ल्ड चैम्पियन विंडोग स्टरसाइटस के बारे में क्या ख्याल है, तो काफ़ी फनी जवाब दिया कि कोई मिनी डॉग है, इस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रायन बोवन से भी काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि WL 5 for 5 में जब मैच होना था एडम विलमॉट का, तो उसकी प्रिडिक्शन वीडियो में रायन बोवन ने बहुत मजाक बनाया था एडम विलमॉट। We've got Jeff Hale and Adam Wilmot. Sacrificial lamb. But I think you're going to get crushed, man. जेमी शेल्डन और एडम विलमॉट के मैच के प्रिडिक्शन के लिए जेफ हेल वाले मैच को कंपेयर किया क्योंकि दोनों ये जेफ हेल से 3-2 से हारे हैं WL में। और इस हफ्ते डेवन लैरेट और माइकल टॉड दोनों नील पिकअप के यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट में आए थे, एक साथ भी आए थे और अलग अलग भी आए थे। इस पॉडकास्ट में दो इंटरेस्टिंग बात थी, एक तो डेवन और माइकल टॉड दोनों ने कहा जब वो अलग अलग आए थे कि उनका करंट वेट 260 pounds है और मैच के टाइम पे उनका वेट 270 होगा दोनों का। एंड सेकंड थिंग, डेवन ने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं किंग्स मूव की वजह से कि माइकल टॉड स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ऐसा गलत है, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और डेवन ने अपने आप को जीतने का 51.3% चांस भी दिया। Well, the thing is, people like to pretend like Michael's not strong. And this is typically the argument by people who don't know how to arm wrestle. The thing is Michael is tremendously strong where it really matters. Mikey's really strong. I mean, if you know, prior to the King's move stuff, even in fundamental positions, Mike's really, really strong. I mean, Mike in a hook back in the day was world class inside. I mean, by any stretch of the imagination. I'm optimistic about the match. I give myself a solid 51.3% chance of winning. 601 के वुमेन्स मैच को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों भी काफ़ी एक दूसरे को टीज कर रही हैं इंस्टाग्राम पर। Do you care for an apple, Irina? WL से अलग इन दोनों के पहले भी मैचेस हो चुके हैं जिसमें लेफ्ट हैंड से तो मार्लिन क्लाइंस में जीत गई थी, लेकिन राइट हैंड से जितने भी मैचेस हुए सभी में इरीना ही जीती है। नेक्स्ट मैच जो अनाउंस हुआ था वो है WL के मिडिल वेट हैमर होल्डर
रॉब विजेंट जूनियर वर्सेस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एडी हॉल। तो अगर आप नहीं जानते इन दोनों को तो ये वीडियो देख लीजिए। आरबीजे रॉब विजेंट जूनियर आई गॉट दिस शॉट Lift. तो इस पॉडकास्ट में दो इंटरेस्टिंग बातें थी। पहली, रॉब विजेंट जूनियर ने कहा कि एडी हॉल एक आर्म रेसलर नहीं है, तो इसलिए मैं चाहूँ तो उसे आराम से उसका रिस्ट बैंड करके टॉप रोल करके हरा सकता हूँ, बट आई विल फील हिज पावर, तो मैं हुक में मैच करूँगा उससे। तो अगर रॉब विजेंट जूनियर की माने तो ये मैच हुक में होने वाला है और एडी हॉल को पूरा मौका मिलेगा अपनी पावर दिखाने का। और सेकेंड, रॉब विजेंट जूनियर जब भी एफ वर्ड यूज़ करते हैं तो बार बार जॉन मिल्न और नील पिकअप काउंटिंग करने लगे कि कितनी बार उसने एफ वर्ड यूज किया है, तो वो भी बहुत फनी था। And nobody wants to ever fucking talk about it because whoever beat that guy, what, motherfuckers? Are you counting? Are you doing six? Is that what you're doing? I think we're higher than that now. Hey, I'm 5 pounds down. Wow. Fucking yeah. Super easy. So he was good. Ryan was really good. But, I mean, I love the guy in... We're all adults. I'm going to be 40 years old this year. Do I really got to sit here and, like, tone down? Okay. और मैं स्कूल बॉय और डेवन लेरेट की आर्म रेसलिंग वीडियो देख रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट देखने को मिला। वो है WL यानी कि वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग का। तो शायद हो सकता है WL की नज़र हो स्कूल बॉय पे। ही इज़ ओनली 19 ईयर्स ओल्ड। तो जिस हिसाब से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, हो सकता है अगले 3 या 4 साल में WL या फिर टॉप 8 में भी हम इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में ये देखिए, टॉड हचिंग्स को बहुत आराम से हरा रहा है, बहुत राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से, और डेवन लेरेट को भी काफी अच्छी टक्कर दी। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आप घंटों वेस्ट नहीं करना चाहते YouTube पे पॉडकास्ट सुन के, बट आर्म रेसलिंग से अपडेट रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।